सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉन्डिंग बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मधु फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉन्डिंग बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। सो बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टूडेंट फैकल्टी के साथ किस तरीके से हमें एक फैकल्टी को जज करना चाहिए। ओके, सो इसमें मैं कुछ 2 से 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, सो फैकल्टी टीच एंड गाइड स्टूडेंट्स इन देयर एजुकेशनल जर्नी। कोई फैकल्टी, कोई भी टीचर होता है, वो स्टूडेंट को उसकी एजुकेशनल जर्नी में गाइड करता है। जो भी उसका करियर, जो भी उसका गोल है, उसमें उसकी हेल्प करता है। तो बहुत से मतलब स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या आगे करना चाहिए। तो एक स्टूडेंट ने ना अपने एक वो बना रखे हैं लाइक फेवरेट टीचर्स। तो उन फेवरेट टीचर्स ऐसे ही बनते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग पॉइंट्स होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज मेंटोरशिप। फैकल्टी ऑफन एक्ट एज मेंटोर्स ऑफरिंग एकेडमिक एंड करियर एडवाइस। जो फैकल्टी, जो भी टीचर होते हैं, जो स्टूडेंट के फेवरेट टीचर होते हैं, वो उनको बेसिकली एक उनकी मेंटोरिंग करते हैं। मेंटोरिंग मीन्स कि लाइक उनको गाइड करते हैं, ठीक है। कोई भी लाइक उनकी करियर की एडवाइस देते हैं, कुछ भी उनको चीज़ें, अगर उन्हें बेसिकली उनके सामने पूरा मतलब एज अ फ्रेंड रहते हैं, तो उनके लाइक प्रॉपर मेंटोरिंग करते हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनको उस गोल पे चलना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट आपका ये रहेगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज फीडबैक एंड असेसमेंट। फीडबैक एंड असेसमेंट में क्या है, फैकल्टी प्रोवाइड फीडबैक एंड असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस। फैकल्टी का काम क्या होता है, जो भी फेवरेट फैकल्टी होते हैं स्टूडेंट्स के, उनका क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी असाइनमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा है, उनमें उनको उस चीज़ का फीडबैक देना। अगर बच्चा टेस्ट कर रहा है, अगर वो टेस्ट में मार्क्स अच्छे हैं, ऑब्वियसली तब तो फीडबैक बहुत अच्छा बनता ही है, पॉजिटिव वाला। बट कभी अगर कोई टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं, तो उस तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करना चीज़ें कि जिससे बच्चे को बुरा भी ना लगे, ठीक है, बच्चा नेगेटिव में भी ना जाए और बच्चे को समझ भी आ जाए। तो उस तरीके से बच्चे को गाइड करना, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाती है फीडबैक, लाइक बच्चे को हर तरीके से उसको अप्रिशिएट करना स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जो बॉन्डिंग बताते हैं स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो कोई भी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए या कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी काउंसलिंग चाहिए आपको नीट और IIT की, सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 7827048964, ये नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हो और कोई भी आपको किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए सो यहाँ पे आप ले सकते हो, या आप मेल भी कर सकते हो हम लोगों को। मेल है info@toppersacademy.app। इसमें आप अपना कोई भी क्वेरी है आपकी, ये ड्रॉप कर सकते हो इस मेल पे, ठीक है। और हमारी वेबसाइट है www.toppersacademy.app, इस पे आप वेबसाइट गो थ्रू कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।